के जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हों उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील, एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। इस बीच न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। जहां घटना हुई वहां उन्होंने अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया है। इसके साथ ही पूरी दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में विशेष तैनाती की गई है। दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये अपील की है कि लोग अफवाहों और फेक न्यूज पर ध्यान ना दें। देखिए, सिचुएशन टोटल कंट्रोल में है, वी आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन और शांतिपूर्ण वातावरण है और हम लोगों से कंटिन्यूअस टच में हैं और उनसे शांति बनाए रखने के लिए और इलाके में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे इसकी हम अपील कर रहे हैं। साथ में हम ये भी अपील कर रहे हैं किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर है और इस चीज़ को हम पूरी तरह से फेल प्रूफ तरीके से इसको हम इंश्योर करेंगे। केस हम लोगों ने FIR दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। न्यूज़ चैनल NDTV से बातचीत में दिल्ली पुलिस के PRO का काम देख रहे DCP अनेश राय का कहना है कि जुलूस के दौरान यह हंगामा हुआ है। उन्होंने कहा कि जुलूस में हिस्सा लेने वालों पर पथराव की भी खबरें सामने आई हैं, साथ ही आगजनी की भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली में कानून और व्यवस्था के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने जहांगीरपुरी में रहने वाले लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यहां का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक सुबह भी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में है, पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है।